हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. माई सेल्फ देवेश एंड यू आर वॉचिंग चैनल एक्सप्लेन. तो अभी हम बताने वाले हैं आपकी जो स्नैपशॉट्स क्लास 11th की इंग्लिश की बुक है उसका लास्ट चैप्टर द टेल ऑफ ए मेलन सिटी. टेल ऑफ ए मेलन सिटी जो एक कहानी एक राजा के ऊपर है. ये राजा जो है काफ़ी आइडियल सा राजा है, जिसने आपने काफ़ी बार कहानी पढ़ी होगी. एक राजा होता है, वो क्या करता है, लोगों को फांसी चढ़ाने के पीछे भागता रहता है. गुरु और एक चेला होता है. पहले वो बोलते हैं दीवार गिर जाती है राजा के ऊपर, तो दीवार किसने गिराई, वो बोलता है बकरी मर गई. बकरी किसने बनाई, वो बोलते हैं फिर ईंट वाले ने बनाई. और ईंट वाला कौन था, वो बोला मिस्त्री ने मसाला अच्छा नहीं बनाया. मिस्त्री को बुलाओ, फिर इसको बुलाओ, फिर इसको बुलाओ. धीरे धीरे जो एक गुरु और चेला फंस जाते हैं और उसको फांसी दे दी जाती है. तो ये जो कहानी है ये भी कुछ इसी तरह की है जो आपने बचपन में पढ़ी होगी, द टेल ऑफ ए मेलन सिटी. तो ये जो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आइए करते हैं समरी को स्टार्ट. इस कहानी के जो राइटर हैं उनका नाम है विक्रम सेठ. विक्रम सेठ ने इस कहानी को लिखा था, जो कि काफ़ी अच्छे इंग्लिश पोइट्री राइटर माने जाते हैं, काफ़ी अच्छे नॉवलिस्ट भी हैं. उन्होंने इस कहानी को लिखा था. ये कहानी एक इस तरह के ऐसे तरबूज के रिवाज में मानी जाती है जो टेल ऑफ मेलन सिटी है. मेलन सिटी मतलब एक राजा जिसका नाम तरबूज के ऊपर रखा गया हो, ठीक है, वो इस तरह से आप सोच सकते हो. यहाँ एक राजा की बात है. राजा बनने के लिए चुना जाता है लोगों को. ये एक मनोरंजक स्वर में बयान करता है कि ऐसी स्थिति में जब कोई नहीं बल्कि एक तरबूज को राजा के रूप में राज्याभिषेक करा जाता है, ऐसी जनता है वहाँ की. कविता प्राचीन राज्य पर शासन करने वाले न्यायप्रिय शांति प्रिय राजा के वर्णन से शुरू होती है. एक बार एक राजा की मेहरबानी का निर्माण करने की योजना हुई. राजा की मेहराब, मेहराब मतलब होता है एक राजा का स्टैचू बनाने की बात हुई. स्टैचू कौन बनाएगा, राजा का जो अच्छा सा स्टैचू बनाएगा उसको पैसे भी दिए जाएंगे. आर्य का उद्देश्य दर्शकों के नैतिक तथा रूप को सुधारने के लिए सौंदर्य आनंद प्रदान करना था. राजा की योजना पर तुरंत अमल किया जाए. राजा ने कहा मेरी योजना को कौन मानेगा ये भी मैं देखता हूँ. अब राजा के लिए फटाफट से स्टैचू बनाने के लिए एक किसी को ढूंढ के लाए जो स्टैचू बनाते हैं. एक दिन बादशाह ने द्वारा बनाई गई आर्च के पास से गुजर रहे थे. अब बादशाह जो है खुद ही की आर्च के पास से गुजर रहे थे. हालांकि मेहराब का निर्माण बहुत नीचे स्तर पर किया गया था, छोटा सा निर्माण किया गया था राजा के स्टैचू का, ताकि वो ज़्यादा बड़ा होगा तो टूट फूट ना जाए, राजा को अच्छा नहीं लगेगा. जिससे राजा का मुकुट उससे टकरा गया और वह गिर गया. अब इतना छोटा स्टैचू बनाया कि राजा जब अपने टांगे से जा रहे थे राजा का सर अपने ही मुकुट से टकराया स्टैचू वाले और वो गिर गया. तुरंत राजा को गुस्सा आ गया, उसकी बेइज्जती हो गई, उन्हें ऐसा महसूस हुआ. अब जैसे स्टैचू से टकराया सर तो उनका मुकुट गिर जाता है ज़मीन पे. राजा को लगा उनकी बेइज्जती हो गई, क्योंकि जो राजा होते हैं पुराने ज़माने के वो मानते हैं जो उनके सर पे जो कवच है जिसको बोलते हैं हम वहाँ पे ताज है, वो ताज उनकी शोभा होती है, उसको उतार दिया तो मतलब उनकी बेइज्जती हो जाना, ठीक है. आगे वो बिल्डरों के प्रमुख जिम्मेदार को ठहराने का फैसला लेते हैं. वो बोलते हैं जिसने ये मूर्ति बनाई है गलती उसकी है, जिसने इसको इतना नीचा बनाया, फांसी के लिए ज़रूर इंतज़ाम किए जाएंगे. अब वो बोलते हैं जिसने भी ऐसी गलती करी है मेरे साथ, मेरी बेइज्जती कराई है, मैं उसको पक्का फांसी दूंगा. वो फांसी देने की बात करते हैं तो बिल्डरों के प्रमुख अपने बचाव में मजदूरों को जमींदारों को सौंप दी जाती है. अब वो बोलते हैं कि बिल्डर्स जो भी हैं जितने मजदूर हैं वो यहाँ पे बुला के ला, उनको फांसी दी जाएगी. तो यहाँ से कहानी जो है एक दूसरे के ऊपर टालना शुरू होती है. तो इतना सुनते ही जैसे ही राजा को पता चलता है कि जो दीवार है वो किसने गिराई है, तो दूसरों पे बात टालनी चालू करते हैं. इतना सुनते ही राजा ने कार्यवाही को एक पल के लिए स्थगित कर दिया और फिर उसने सभी मजदूरों को फांसी देने का फैसला किया. जो बिल्डर थे जो काफ़ी ज़्यादा सचिव थे उन्होंने अपना फैसला डाल दिया मजदूरों पे, और मजदूर जो थे वो अब किसी और की बात बताने लगे. मजदूरों के अनुसार ये सब ईंटों के दोषपूर्ण आकार के कारण हुआ है. जो मजदूर हैं वो बताते हैं कि ईंटों का जो साइज़ है वो अच्छे से नहीं बना हुआ था, बनावट अच्छी नहीं थी, जिसके कारण ये सारा हुआ. तो अब उन्होंने बताया कि ये सारा दोष राजमिस्त्री का है. तो राजा ने कहा अब राजमिस्त्री को बुलाया जाए. वे अपनी बारी बारी वास्तुकार पर दोष डालते रहे. राजा ने वास्तुकार को फांसी देने का फैसला किया. वास्तुकार ने राजा को याद दिलाया कि योजना के लिए संशोधन किए गए थे जो कि अब स्वीकृति को भी दिखाया गया है. इस तरह वास्तुकार ने अप्रत्यक्ष रूप से राजा पर दोष लगाया. उसने कहा कि यहाँ पर जो दोष है वो आपका ही है, हमारा नहीं है. तो वो इस तरह से बोला कि उनको पता ना चले. वास्तुकार ने तर्क में समझाया कि पूरी तरह से भ्रमित कर दिया था आपने. बाद में पेचीदा मानते हुए राजा ने एक बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह मांगी. राजा काफ़ी कंफ्यूज हो गया था कि इस जगह पर हम किसको यहाँ पे फांसी चढ़ाएं और किसको फांसी ना चढ़ाएं.
राजा ने एक बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह मांगी। उसने उस देश के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को लाने का आदेश दिया कि इस देश में जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति उसको पकड़ कर लाओ। राजा के लोग सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का पता लगाने के लिए गए। तदनुसार उसे राजा के दरबार में लाया गया। वह इतना बूढ़ा हो गया था कि ना तो वो चल सकता था ना वो देख सकता था। पुराने व्यक्ति के अनुसार असली अपराधी जिम्मेदार था। उन्होंने कहा कि जो ये बाबा जो ये बूढ़े व्यक्ति कहेगा, जिसको भी ये अपराधी बोलेगा, उसका अपराध उसी को दिया जाएगा तथा फांसी चढ़ाई जाएगी। उसी तरह से राजा का मुकुट गिरने का कारण इसलिए और तथा नीचे लटका दिया जाएगा। मेहराब को मचान तक ले जाया गया। अब मेहराब जो है जो लेके गए उस पुतले को, उसको ऊपर तक लगाया गया ताकि अब इससे किसी के मतलब कोई टकराए ना या फिर कोई गिर ना सके। उस समय एक पार्षद ने कहा कि राजा के सिर पर लगे मेहराब को लटकाना बहुत ही शर्मनाक कार्य है। जो राजा के सिर पे गिराया हुआ मुकुट है उसको अगर दोबारा लगा दिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक या शर्म की बात होगी। भीड़ बेचैन हो रही थी ये जानने के लिए कि कौन जो है फांसी पर लटकाया जाएगा। सामूहिक अपील करने के बाद राजा ने टिप्पणी की कि किसी को फांसी दी जानी चाहिए क्योंकि वह जनता की मांग है। फंदा सेट किया गया है। अब जो फंदा था फांसी का वो बिल्कुल सेट कर दिया गया, उसको लगा दिया गया ताकि फांसी देने के लिए तैयार कर दिया गया। ये सब कुछ हो जाने के बाद प्रत्येक आदमी को बारी से मापा गया। दिलचस्प बात यह थी कि एक व्यक्ति था जो फंदे में फिट हुआ और यह राजा था, इसलिए उसे फांसी दे दी गई। अब राजा ने कहा कि फांसी ना सबको देखा जाएगा, फंदे में जो भी फिट आ गया फांसी तो उसी को चढ़ेगी, क्योंकि भाई एक व्यक्ति को फांसी देनी पड़ेगी। राजा को आ गई गुस्सा, तो राजा ने लाइन से पूरी जनता की फांसी पे लटका लटका के चेक करी किसका गला फिट बैठता है, और बाय चांस बाय गॉड राजा का गला एकदम फिट बैठा और फांसी दे दी गई। राजा को लटका दिया गया सीधा। अब यहाँ पर सब सोच रहे होंगे कि ये राजा कैसा है। मंत्रियों ने राहत की सांस ली तथा वे आखिरकार फांसी से बच गए और किसी को खोज लिया, अन्यथा भीड़ विरोध करने लगी थी, विरोधी कर सकती थी। तथा उन्होंने मुद्दा सामने आया कि राज्य का राजा कौन होगा। अब उनके सामने ये बात आ रही थी कि जो राज्य है उसका राजा किसको बनाया जाए, राजा को तो फांसी लटका दी। सारे के सारे इस सोच में डूब गए। उन्होंने ये कहा कि लोगों को पुराने रिवाज के हिसाब से राजा चुनना चाहिए, जैसे कि पुराने रीति रिवाज हैं। लोगों को भेजा गया शहर में गेट तथा गुजरने वाला पहला आदमी अगले राजा को चुनेगा। अब राजा जो गेट से भी गुजरेगा, उसने कहा कि राजा के दरबार में जो भी गेट से पहला आदमी आया उसी को राजा का चुनाव करने का वो देंगे। सिटी गेट से गुजरने वाला पहला व्यक्ति एक बेवकूफ़ व्यक्ति था। जो सिटी गेट से गुजरा जो व्यक्ति था वो बेवकूफ़ सा था। बेवकूफ़ से पूछा गया कि राजा कौन होगा। बेवकूफ़ ने तरबूज को बोला, बेवकूफ़ ने कहा खरबूजे को बोला। वास्तव में सभी सवालों के जवाब पर सोचने लगे तथा इसकी तरबूज पसंद करता है वो सोचने लगा कि शायद इसको ज़्यादा पसंद तरबूज है तो इसने तरबूज को बोला होगा। पागल व्यक्ति को तरबूज खाना पसंद था। मंत्री ने एक तरबूज को राज्याभिषेक किया तथा तरबूज को सिंहासन की जगह प्रतिष्ठित कर दिया गया। ये सभी आयोजन बहुत पहले ही हो चुके थे। हालांकि यदि अब जब कोई पूछता है कि उनके गांव का या उनको कैसे लगता है कि उनका राजा एक खरबूजा है, तो वो उत्तर देते हैं कि यदि उनका राजा तरबूज बनकर खुश है तो यही सही। जब वे उन लोगों को सुख शांति से सो रहे हैं तो वे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तथा राजा एक खरबूजा है। ऐसा लगता है कि राज्य में गैर हस्तक्षेप से सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित होते हैं। उनको लगता है कि राजा ना रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि राजा अगर रहते हैं तो वो अलग अलग शासन नियम बनाते हैं। तरबूज जो है वो चुपचाप फल की तरह बैठा रहता है, ना वो कुछ बोलता है ना कुछ करने को कहता है। तो ये जो राजा है सबसे अच्छा है उनके मुताबिक, वो ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर है द टेल ऑफ द लेमन सिटी कम्प्लीट हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है, प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, चेकआउट कर सकते हो। सारी वीडियोस बना दी, आपका ये लास्ट चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया, बुक आपकी ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। सी यू, टाटा एंड बाय।